Assalamualaikum and hello people, what's up? Welcome back to your show Kadak Reaction. My Muhammad Chavis. Inayat. Inayat. 4G presents Voice Over Man with Firoz. Something very different. Finally, Voice Over Man ka suggestion na hume. पिछले एक साल से पुराने चैनल में तो भर भर के आ रहा था और मोमो वाजे यू रिमेंबर द गाय यूज टू कमेंट ऑन एवरी वीडियो वॉइस ओवर मैन अब तो वो कमेंट करना ही भूल गया भाई यार ये करेंगे नहीं बट हम लोग फाइनली कर रहे हैं किंजा हाशमी का ज़्यादा आता था सजेशन बट फिरोज खान का लेटेस्ट है ये 3 वीक पहले किंजा हाशमी का भी हम लोग जरूर करेंगे लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन दिस वॉइस ओवर मैन विथ फिरोज खान पता है कौन है कौन खुदा और मोहब्बत कौन सा खुदा और मोहब्बत नया वाला अच्छा कैसे है वो वो जो छोटे से थे लेकिन हमने उनकी वीडियो पे बोला था कि ये बहुत छोटे हैं मतलब हाइट कम है तो धनाधन मुझे गाली यहाँ मिली थी कि तो रोमियो बेट सी होता क्यों है ना छोटा बोलने वाला इसको अपना हाइट देख ले ऐसे बोला था मुझे लोगों ने तो वो ही है पता है हाँ इन्होंने और देख लिया हाइट और अभी थोड़ी रिस्पेक्ट करेंगे फिर 5.6 है शायद ये 5.8 समथिंग 5.8 और 9 हाँ एक्चुअली वही तो हुआ था एक्चुअली याद नहीं आया बस प्रिटेंड कर रहे हैं लेट्स स्टार्ट भाई सब्र है सब्र है स्टार्ट इन द मिडिल आई डोंट नो हैव यू एवर वॉच्ड इट ओके प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड रिंग द नोटिफिकेशन बेल एंड फॉलो द इंस्टाग्राम इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं स्टार्ट और जो हॉट चॉकलेट बॉय मेरे साथ बैठे हुए हैं उनसे शुरू शुरू में मुझे बड़ा डर लगता था कि कोई सालन की प्लेट उठा के ना मार दे या कहीं क्या कहते गमला ना मार दे लेकिन जब गमला आया तो उसमें तो फूल थे उसे निकाल दिए ने मुझे फूल दिए जिसका मतलब ये हुआ कि इनका इंप्रेशन बहुत है एंग्री यंग मैन का लेकिन अंदर से बहुत सारा प्यार इन्होंने जब मुझे इमरान अशरफ खान का प्यार दिया तो मेरी इनसे बहुत दोस्ती होगी क्योंकि वो बहुत शुक्र अच्छा इनमें सिर्फ कुछ बुराई है कि ये शराब नहीं पीते नशे नहीं करते और इंडस्ट्री की हीरोइंस को तो इनने सब कोई बहन बना लिया इसके अलावा कोई बुराई नहीं है कुछ लोग इन्हें एंग्री यंग मैन कहते हैं कुछ लोग मेरा बेबी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं यार छोड़ो मेरी बाइक तो वापस कर दे यार टच बटन का एक बटन ड्रामा और फिल्मों की जान मेरे मेहमान द वेरी वेरी टैलेंटेड एंड एंग्री मिस्टर फिरोज खान कूल यार मैं भी कूल हो रहा हूं फिरोज के साथ बैठ के आई लाइक इट फिरोज एक इंतहाई संजीदा सवाल क्योंकि मुझे पता है आप एक इंटेंस आदमी इंतहाई संजीदा आप बॉक्सर्स पहनते हैं कि वो ब्रीफ जी बॉक्सर्स बॉक्सर्स पहनते हैं जबरदस्त फिरोज खान आप कभी मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ सके आपने ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए जिस तरह खुदा और मोहब्बत खानी इश्किया गुले राना तो अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट की कमी है तो मैं उनको जानता हूँ अब्दुल्ला काडमानी के पीए को लेकिन मैं जब टेबल पे बैठा करता था ना तो मुझे लगता था कि सभी जो है वो बादशाह है डेक में आपके ना तो किसी एक को वजीर होना बहुत जरूरी है मुझे लगता है ऐसे छोटे प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी अल्लाह करते हैं खुदा मोहब्बत है फिर मुझे बताएं कि आई थिंक ऑल द आप एग्री करते हैं कि एंग्री यंग मैन और गुस्सा आपका मशहूर है मार्केट में ये एक फॉर्म है देखिए जी मशहूर मैं तो कुछ नहीं करता बस वो एक बहुत सारी और भी बातें मशहूर हैं लेकिन मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है उन सारी बातों में ओके तो मुझे लगता है वो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि मुझे आपने ज्यादा देखा है बनिस्बत मैंने हां ये कहना चाह रहे हैं कि इनके अलावा ये गलती बाकी सब की है जो उनको गुस्सा दिलाते हैं भाई ना दिलाया करें आप लोगों को भी तो पीड़ा है ना क्या आपने इसको खोला है आज मेरे लिए फिरोज हम चलते हैं अपने ट्रू और फॉल्स राउंड की तरफ आप मुझे बड़ी गुड एनर्जी फेंक रहे हैं मेरी तरफ बाकी जो फेंक रहे हैं और मैं ले रहा भी हूँ वो एनर्जी सुना है कि आप डायरेक्टर्स को बता रहे होते हैं कि नहीं सर सर ये ऐसे नहीं होगा सर फिर ये कैमरा वहाँ रखें वो लाइटें वहाँ रखें और आप छत पर जाके बैठ जाए आपकी जरूरत होगी तो आपको बुला लेंगे सर मुझे ना मैं बहुत टेक्निकल साइड पे मेरा एक विजन होता है
लेकिन मैं ये कैमरा और लाइट को समझ नहीं पाया हूँ आज तक। अच्छा अच्छा, मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसकी। अच्छा, तो ये फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, मैं ऐसे बता नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि मैं सीन को विजन करते हुए बता सकता हूँ, लेकिन कैमरा लाइट के आई कांट, आई हैव नो नॉलेज। और डायरेक्टर को आप सेट से नहीं निकालते कि जो जाके दो साधक को पान लेके आओ? नहीं नहीं नहीं, आपका काम हुआ तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन डायरेक्टर ने मुझे गलत बताया। बिल्कुल। ट्रू और फॉल्स, जारी है सना जावेद के साथ मेरा बहुत लव हेट रिलेशनशिप? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारा काम साथ में किया, तो जाहिर है इतने सारे महीने, इतने सारे दिन, तो लव हेट हो ही ऑब्वियसली वो होता है। मृणाल अश्रफ मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत मिलता हूँ और क्लोज रखता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज क्लोज। क्लोज मुझे लगता है इस सवाल का मैं ट्रू और फॉल्स में बिल्कुल मैं बीच में से, ये सवाल ही इतना इंटरेस्टिंग है। एक दफा फिर से सुन, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमें देख रहे हैं, इमरान अशरफ मेरे नेमेसिस और दुश्मन हैं, लेकिन मैं इसलिए उनसे इतना मिलता हूँ, करीब रखता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना अंग्रेज के, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज क्लोजर। वाओ, लेकिन मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि आपने ये सारे क्वेश्चन से पहले, आपने जिस तरह आपने पहले डायरेक्टर के बारे में क्वेश्चन किया, तो आपने कुछ वर्किंग की है? मैंने ज्यादातर तो इमेजिनेशन यूज की है। इमेजिनेशन है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वैसे ओवरऑल ना अपने इंटरव्यूअर से भी ले लेता हूँ। पाकिस्तानी शोबिज़ में ना इज्जत है ना पैसा, लेकिन मैं ये दोनों चीजें चेंज करना आया हूँ। ट्रू के फॉल्स? पाकिस्तानी शोबिज़ में आई थिंक मैं तो कुछ नहीं चेंज करने आया, लेकिन मैं चाहता बहुत कुछ चेंज करना हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितना कुछ चेंज करने वाला हूँ, लेकिन बहुत कुछ है जो मैं चेंज करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, जिस भी तरह जो भी चेंजेस आपको महसूस होते हैं, वो इखलाकियत के हो या वो प्रेजेंस के हो, मुझे लगता है कि वो पिक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। जब इंडिया से हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, फवाद हमारा वाला चक्कर हुआ, तो मैंने भी बॉलीवुड एक्टर से दोस्ती छोड़ दी। ट्रू के फॉल्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे वहाँ पे अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं और बहुत इज्जत करते हैं और बहुत वाइस वर्सा है। It was never for, but obviously country comes first. क्या ये सच है कि मैं भी एक कैंप का हिस्सा हूँ जिसका नाम है Six Sky? No, that's not true. किसी कैंप में नहीं हूँ? मैं किसी कैंप का हिस्सा नहीं हूँ, मैं एक कैंप का हिस्सा हूँ. And it's everyone's camp. फिर उनसे अच्छे अदाकार बनने के लिए इनमें से क्या होना चाहिए? अच्छी बॉडी, यानी कि गुलबदन होना चाहिए? गुलबदन. हर एक पे नजर रखनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है? दिहाड़ी लगाने वाले प्रोजेक्ट ना करें, ओनली गुड स्क्रिप्ट्स। एंड नंबर 4, योगा या मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो मेडिटेशन ने बड़ा ही हेल्प किया है। मुझे दिख रहा है कनेक्ट करना चाहिए इन सब चीजों से, जो आगे की चीज है और इन सब चीजों से जो पहले अमर और आखिर है, उनसे उससे कनेक्ट करना चाहिए। दिस इज जस्ट, यू नो, इट्स जस्ट गोना बाईपास। ये सुनने वाली बातों में कुछ, या एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, आप यू नो, यू आर जस्ट, I think I am just a body, and when I am told to, if I am told to sing, I'll sing the best. If I am told to act, I'll act the best. अभी गाने गवाएंगे ना? Because I'm just, you know, that's how I think one should be. गंदी बातें मैं कर नहीं सकता फिरोज से, क्योंकि इनने अपना पहले एक बॉडीगार्ड भेजा था, जिसने मेरा ये देख के और ये आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो विकिपीडिया से हमने सर्च किए। हाँ जी। पहला है बिखरा मेरा नसीब। ये तो लग रहा है आपने मेरी लाइफ के ऊपर बना दिए, क्योंकि मेरा तो वाकई नसीब बिखरा है। मेरा सिर्फ एक दोस्त है वकार लगा, बड़ा अच्छा आदमी, इंटरेस्टिंग आदमी है, लेकिन नसीब तो मेरा इतना ही है सर। ये मेरे ऊपर बनाया था बिखरा मेरा नसीब, क्या था इसके बारे में? ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। सेकंड इनका ड्रामा है चुप रहो। चुप रहो क्यों? मैं चुप रहूंगी, मैं बोलूंगी। आप औरतों के हुक्म नहीं मार सकते फिरोज। ये मुझे लग रहा है वन ऑफ द डायलॉग्स बहुत। अच्छा, ये पहले शूट हुआ है नखरा गोरी दा 1999 कहते हैं,
फिरोज आप गाना कब गाएंगे, क्योंकि आजकल सारे ही एक्टर्स बोले गाने गा रहे हैं। मैं एक गाने पे काम कर रहा हूँ, रैप है, इनफैक्ट एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ। ऐसे करते हैं, मैं कोई हैंडशेक सिखाऊं? सर ऐसे गा रहा अच्छा अच्छा हो जाएगा। फिरोज मैंने गूगल पे आपके घर का एड्रेस सर्च किया था, लेकिन वो लोकेशन पॉइंट तो मुझे चिड़ियाघर लेके चली गई। आप प्लीज अपना एड्रेस दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या कहेंगे मिस हांगकांग से? को हांगकांग का एड्रेस दे। मुझे लगता है आप संभाले ना मेरे लिए, आप कुछ कुछ मेरी हेल्प नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, करें घर का एड्रेस देगी। गुड नाइट। अक्सर वैसे हम यहाँ पर आते हैं। आप नीपा से स्ट्रेट जाए 20 मिनट। हाँ जी, वहाँ पर वाटर पंप आएगा। हाँ जी, वाटर पंप के अंदर मेरा घर है। ये गलत रास्ता बता रहे हैं, ये मैं बता सकता हूँ फिर उनके लिए। मिस्टर बर्गर 1878 कहते हैं, आई लाइक योर हेयर, देयर आर सो मेनी ऑन योर हेड। सवाल पूछना भूल गए। या थैंक यू यू लाइक माय हेयर, थैंक यू वेरी मच। सना जावेद पाकिस्तानी कमेंट कर रही है, यार फिरोज ये ड्रामा और ऑफर हुआ है उसमें भी तुम ही रहो, करना है क्या यार? उनके पास 17 बिलियन डॉलर है कमर्शियल बना बना के, और कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। दैट्स अ गुड मेक तो वी डू माय मूवी, वी कैन वर्क ऑन द मनी साकिब भाई, यू कैन वर्क ऑन द मनी। ये प्रोड्यूस करने को तैयार है, आप अपना काम कर। मीरा जी को लेके आए, अच्छी अच्छी लड़कियां लेके आए, अमना इलियास को लेके आए, फिरोज विल वर्क आउट ऑन द मनी, वर्क ऑन द मनी। अक्सर ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ ये करना है, लेकिन उसके साथ ये चार चीजें ये तो बहुत कराते हैं। हाल ही में नोटिस किया है ना, पकड़ना है पैसा। तो ये चेंज जो चीज़ें आप चेंज की बात कर रहे थे वो चेंज यहाँ यही वाला है ना। मुझे लग रहा है मुझे जो है ना अपने सारे जूते बेचने पड़ेंगे, एंड माय कार एंड आल्सो माय जमीर एंड माय बॉडी टू अफोर्ड फिरोज खान। क्यों? अब महंगी है ना बहुत, मैंने सुना मार्केट में, वो मुझे एक दोस्त बता रहे थे WR। अच्छा, क्या बताते हैं? बहुत ही महंगा है, बहुत ही, वो हवा निकल गई मेरी तो। अच्छा हाँ, ट्रू स्टोरी। उन्होंने मुझे कहा वहाँ, तो मैंने हाँ में हाँ मिला दी कि यस ब्रो बाहर जाके मैंने कहा तो पैसे कहाँ से कम हुए यार। काम किया था उसने मेरे साथ या नहीं किया था? नहीं, अभी वो बात चल रही होंगी। WR का शॉर्ट है ना, WR। अच्छा। उन्होंने कहा मैं ऊपर से तो बड़ा कूल बन के कह रही, ऑफकोर्स यार ब्रो, मनी इज नो ऑब्जेक्ट, पैरों की धूल होती है, बाहर जाके उनकी जो हवा निकली है। These guys don't know what we're talking about. I'm sure some of them will get them, will get it. In time, आपको पता चल जाएगा ये क्या बात हुई है, जो है ना? किडनी चिडनी बेच दिया उसने अपने को, ये आज करके चल रहा है। कभी ड्रामा होगा कोई? एक रोज के नाम हो गया। ओके, हम तो गैस द ट्यून। टाइटैनिक। ये भी मैं पहुंच गया, लेकिन आपने इसको जरा जानबूझ के डिफिकल्ट किया है। नहीं, बहुत ही I see you, I feel you, that is how I know you, go on. मैं अगर ईस्टर्न स्टाइल में गाऊंगा। Every night I see you, I feel you, that is how I know you, know you. सोचा करें ना? रणवीर कपूर लग रहे हैं।
बहुत भारी था। फिर ये है गेट टू नो यू अराउंड एंड सम जनरल नॉलेज एज वेल। कम ऑन मैन, आपने कभी स्विमिंग पूल में सुसु किए? मैं तो हर बार करता हूँ, बड़ा मजा आता है। रियली? नेक्स्ट टाइम आप जिस पूल में होंगे मैं नहीं कर रहा आपने कभी बच्चों के लड़कियों के कपड़े पहने? जब मैं बच्चा था तो मैंने बच्चों के कपड़े पहने, जब मैं लड़की था के कपड़े मुझे याद है। ये स्लो में चल रहा है, बच्चा था तो जब मैं लड़की था तो कभी बीच पे ऐसा हुआ है कि नहाते हुए तेज धारों में वो ना चट्टी गुम हो जाती है? हमारी भी थी भाई, हमारी फटी थी यार, वो लहरों में बंदा मस्त हो जाता है, फिर बाहर निकलता तो कहता ओह शिट शॉट्स। नहीं वो कभी आपके साथ यार? ऐसा सबके साथ, इन सबके साथ हुआ है। अच्छा? हाँ आपके साथ हुआ है? बड़ी गुजरी है आपके यार, अल्लाह आपका साथ दे। अब मैं दो पहन के जाता हूँ। हाँ ताकि एक उधर जाए ना तो दूसरी, लेकिन ना वो दे रहे हैं साथ। क्या आप किसी ऐसी शादीशुदा कपल को जानते हैं जो 5 साल बाद भी खुश है? बहुत सारे लोग। किसी एक का नाम बताएं जो 5 साल बाद भी खुश है? सच्चा वाला मुश्किल है वार्ड में, अगर सोचोगे गुम जाओगे। बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम आ रहा नहीं है दिमाग में। हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता ताकि उनको नजर ना लगे। नजर इज रियल मैन, आप जितना अपना डिस्प्ले करोगे कोई भी गुडनेस है वो जाहिर है, उसको जिंक्स तो होना है। आप क्या जिंक्स? वो ना इनको दवा में नाम आया एक कब्र का, नहीं बोलता वो लोग जो अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हैं लेकिन टीवी में पकड़े जाते हैं, आई एम गोइंग टू डैलस एंड देन न्यूयॉर्क जाएंगे वहां से। न्यूयॉर्क जाना, कॉल मी कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के एक्सेंट को पकड़ना नहीं चाहिए क्योंकि सब लोगों का जो कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर होती है और हम लोग कहीं ना कहीं एक इट्स अ लैंग्वेज, और ये जब लैंग्वेज आप ऐसे अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो उसके साथ उसका आप डायलेक्ट भी पकड़ सकते हो, आप एक्सेंट भी। मजाक नहीं बनाना चाहिए। सो आई थिंक या इट्स फाइन। जैसे हमारे पाकिस्तान में प्लेजर को भी प्लेजर और प्लेयर दोनों बोलते हैं, प्लेयर भी बोलते हैं, प्लेयर भी बोलते हैं, कंपैरिजन प्लेयर और कंपैरिजन माय प्लेयर, लेकिन अब उसका प्लेयर जो है उसकी नियत को तो नहीं चेंज करता। 5 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं? 1 मीरा जी की बाहों में, इंसाइक्लोपीडिया बेचते हुए, गेम शो होस्ट करते हुए लाइक फाद मुस्तफा, और 2 नंबर अवार्ड शोज के ऑर्गेनाइजर के रूप में, या फिर 2 नंबर अवार्ड शो में? मुझे आंसर बताएं क्यों तो आप लगते हैं यार बॉक्सिंग भी सीख रहे हैं? अच्छा नहीं, वो मैं अंडरग्राउंड के लिए नहीं सीख रहा हूँ, मैं मेन रिंग के लिए सीख रहा हूँ, लेकिन क्या कहते हैं 5 साल बाद यूएफसी? नहीं नहीं, बॉक्सिंग चैंपियनशिप करोगे आप? यार ये फेस खराब हो गया है, कौन आएंगे? नहीं सुने मेरी बात। इन सारे आइडियाज से बेटर आइडियाज भी मुझे लगता है कि वो सब मतलब मेरे पास तो नहीं, आप प्रिया साहब बन सकते हैं आप। तुम 5 साल बाद क्यों, वजह क्या है 5 साल बाद? ही कहते हैं ना कि वो जॉब इंटरव्यूज में नहीं कहते वेयर डू यू सी योरसेल्फ। मैं तो मीरा जी की बाहों में हुआ, मुझे आपसे नहीं पता। अरे मैंने आपका ताविश वाला शो देखा। अच्छा मजा आया? हां बहुत मजे का। आई डोंट लाइक दैट गाय बिकॉज़ ही इज टैलेंटेड। तो ये बताया कि इज अ गुड गाय? हां इज अ वेरी गुड गाय। आई एम द वे वी पार्टी आर, हमारे पास तो इतनी मनी नहीं है, फिर आप गाला कटिंग के बाहर जाके ये मेरा बड़े ना रिफ्लेक्सेस बहुत मजे दे। अभी कब अमीर आदमी है बहुत, ये इसमें पत्थर है भाई, जैसा पत्थर ही आदमी है वैसे इसके रिफ्लेक्शन में। डॉक्टर डॉक्टर को दिखाएं भाई, ये बीमारी होती है रिफ्लेक्शन ना होना, ये देखो ज्यादा होना भी बीमारी है। सुनिए ना मेरा
मेरा अंदर भरा रह गया। दोनों सूरतों में दिखा देना चाहिए ना सारा जो है ना मवाद मोजो वो अंदर भरा रह गया। क्लीन कॉमेडी है ना ये है फाइट राउंड कोई गाली नहीं, कोई गंदी बात नहीं, कोई नॉन वेज जोक्स नहीं, फिर भी हंसाए, फिर भी फील गुड करवाए, फिर भी है ना। और ऑफकोर्स हमारे सामने थे फिरोज खान जो कि एक हार्ट थ्रॉप है, वर्ल्ड हार्ट थ्रॉप है। हम तो यहाँ पे स्टेटस में देखते रहते हैं फोटोज इनके, मैं तो देखता रहता हूँ, खासकर लड़कियों के स्टेटस, लड़कियों के स्टेटस डालते रहते हैं। इनफैक्ट बहुत ही अरसे तक मुझे ये शुरू वगैरह ये सब चीज़ें जो करता हूँ मैं वो करने तक मुझे वजाहत रऊफ इज अमेजिंग ये देखिए कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब ऑन अर्थ, लाइक दुनिया में से सबसे ज़्यादा है हंसाना। He's 45 years old, but still मुझे लगता है कि personality उनकी मतलब कि face वगैरह create किया गया है। Done a lot of things, movies भी किए हैं, दम मस्तम, पर्दे में रहने। Oh, दम मस्तम है देखेंगे। Oh, ये दम मस्तम का हमें suggestion आया, it's Imran Ashraf's Eid film. In fact, पर्दे में रहने तो वो जो उनका जो थे ना वहाँ पे जो बैठे थे वहाँ पे poster भी लगा था उसका पीछे शायद। अच्छा अच्छा। इनाया भी है इनका कुछ। Oh, रक्से बिस्मिल। Oh, he's an actor also. बहुत सारे dramas किए हैं इन्होंने। अमेजिंग या मतलब वेरी नीट कॉमेडी, अच्छा था। और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फिरोज खान टू बी सो मतलब अच्छे हाजिर जवाबी जो कहते हैं उसको, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। एंड ऑफकोर्स ये ऐसे दिखते नहीं है, इनको बनाया गया है इनको, लेकिन जो भी किया है कैरेक्टर अच्छा बनाया गया है। ओरिजिनल फेस यहाँ पर है देखो, जो टोपी है He is the one. Beat the टोपी and beat जो मैनरिज है उन्होंने कॉपी किया। और ये पेट को भी इन्होंने ज़्यादा टाइट सवाला सफारी बना के थोड़ा बनाया है। He is good. कॉमेडी ऑन टाइम है उनकी, मतलब के पंच डायलॉग्स अच्छे से हो रहे थे। बट he is more of a के he was a जिस तरह से इन्होंने फिरोज खान को अपने कंफर्ट जोन में ले आए, मतलब स्टार्टिंग में फिरोज खान बहुत ही प्रोटेक्टिव लग रहे थे अपने इसको लेकर, मुझे छुओ मत ऐसे वैसे उस तरह सा वो ये था मैनरिज्म था उनका। बाद में वो भी हाथ डालने लगे, वो भी उसको छूने लगे, वो भी उनसे हाथ क्लैप्स करने लगे, वो भी आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंस कि इंसान को अपने जैसा बना दो। एंड वो जैसे जोक्स कर रहे थे एंड हाउ वो जो लास्ट खासकर जो लास्ट के पार्ट में जो रिफ्लेक्स का जो जोक मारा था उन्होंने, उस रिफ्लेक्स जोक को उन्होंने इमीडिएटली हाजिर जवाब कैसे दी उन्होंने कि दोनों सूरतों में डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, वो बहुत क्विक था और बहुत अच्छा था, क्विक था। एंड लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें यार जोर से हंसने की बात नहीं है, दे आर फील गुड वाली, या इन सम केसेस इवन जोर से हंसने वाले चीज़ें भी आपको माइंड डिस्टर्ब ये कर देती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि आपको थोड़ा हल्के से स्माइल करवाएंगी हल्के से, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो, फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, एंड इफ दैट डूइंग दिस जॉब क्रिएटली। और ये तरीका होता है ना कि एक होता है रेज, आप किसी का हर दिल रेज से जीत सकते हो, लेकिन रेज जैसा कंटेंट बना के, फॉर एग्जाम्पल गाली आन दो, क्या वो आजकल रोस्टिंग चल रहा है उससे करो, उससे करो, वो एक एक्सट्रीम है वो, लेकिन ये इसमें मिडिल में आता है जहाँ पे आई थिंक रोस्टिंग इज़ मैं बोल सकता हूँ वो ईजी है, लेकिन ये क्लीन रखना और ज़्यादा एक्सट्रीम ना जाके सटल वे से कॉमिक वे में रखना और एंटरटेनिंग बनाना, मुझे एक मिनट के भी बोर नहीं हुआ कभी भी। इनफैक्ट जब वो ख़त्म हो रहा था लाइक वो माय गुडनेस क्यों ख़त्म हो रहा है बोल के। एक्चुअली जब मैंने इसका टाइम देखा तो इट वॉज ऑलमोस्ट 19 मिनट्स, तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा वीडियो है, रिस्क है लेकिन फिर भी करेंगे। अच्छा, बट आई फील के बहुत जल्दी चला गया वैसे मुझे पता नहीं चला, इट वॉज अ गुड वन। और फिरोज खान की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, ही इज़ नॉट सम जो कि बहुत खुल के नहीं आते, वो एकदम अपने में रहते हैं, उनका बात करने का ढंग एंड ऑल दैट स्टफ, बट यहाँ पर वो थोड़ा आ रहे थे, खुल के आ रहे थे वो, ही वाज या एंड आल्सो लाइक पहली बार मैंने फिरोज खान को बात करते हुए सुना, लेकिन ऑफ सीरियल एक इंटरव्यू में बात करते हुए सुना है, और इन्होंने जो लैंग्वेज को डायलेक्ट को लेकर उन्होंने जो कहा था वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे इनकी खुद के एक्सेंट पे मुझे थोड़ा सा हुआ, ये थोड़ा सा एक्सेंट मुझे लगा कि क्यों, ये क्या हिस्ट्री है फिरोज खान की, इज़ ही फ्रॉम इंग्लैंड और समथिंग, नो आई डोंट थिंक सो, व्हाट यू फील अबाउट एक्सेंट, थोड़ा सा लगा मुझे एक्सेंट उनका, मतलब वो एक्सेंट क्यों था, इंग्लैंड का एक्सेंट उनके पास था, उसको उन्होंने बोला भी कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री होती है हर एक इंसान की,
तो वो भी उन्होंने उसका आंसर उन्होंने वहीं पर दे दिया उन्होंने। फिरोज खान वैसे एक मेरे दोस्त हैं उमरुद्दीन बोल के, सेम ऐसे ही है। मैं तो जब उनको देख रहा था तो मुझे वही याद आ रहे थे। पाकिस्तान ओनली। अच्छा 2018 इन्होंने अपने आप की शादी के बारे में क्यों नहीं बोला? 5 साल की शादी, जो कपल खुश हैं इनकी ही 5 साल हो चुकी है, क्या ये खुश नहीं है? और नजर नहीं लगाना चाहते थे अपने आप की शादी, इसीलिए वो बोल रहे थे। बट या ओवरऑल अ गुड वन, आई थिंक इंजॉयबल था, इसलिए आप लोग इतना पसंद भी करते हो इसे। एंड या थैंक यू सो मच फॉर सजेशन। एंड फिरोज खान का एक अलग ही, फिरोज खान का मैंने हमेशा से ड्रामाज में या तो एंड डेफिनेटली जैसे उन्होंने कहा कि एंग्री यंग मैन वाला लुक, ऑलमोस्ट जितने ड्रामाज के ऊपर हम लोगों ने रिएक्ट किए हैं उसी तरीके का उनका है, खुदा और मोहब्बत के अलावा ही इज लाइक दैट ओनली। बट यू नो यहाँ पे आके थोड़ा क्यूट से अच्छे से जिस तरह से कैप, ऑब्वियसली एवरी एक्टर हैज दैट साइड ऑफ हिज, जिसका जो विलन का रोल प्ले करता है वो भी अच्छा है आदमी। नॉल्सो हमने रिसेंटली देखा था ना वो बॉक्सिंग का एक टीजर पे रिएक्ट किया मुश्किल खाक, हाँ तो वहाँ पे जब मैं देखा था मैंने तो मुझे लगा कि हाँ ये तो अच्छे से ट्रेंड हुए होंगे। हाँ हमने डिस्कशन भी किया था उस बारे में, अब पता चला कि ही इज़ एक्चुअली वेल ट्रेंड फॉर इट। हाँ और उसमें हम लोगों ने जब कमेंट किया था और कमेंट बॉक्स में लोगों ने कहा था कि ये एथलीट है, अच्छी ट्रेनिंग है इनकी वगैरह वगैरह एंड ऑल। सो या दिस वाज अ गुड वन, थैंक यू सो मच फॉलो लव एंड सपोर्ट गाइस। चैनल से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और विजन रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट। अगेन फॉलो इंस्टाग्राम, इसकी डिटेल्स हमने दी है। दिस इज मोहम्मद शावीज साइनिंग ऑफ।